हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज बहुत ही बड़ी वैकेंसी एक निकल के आ रही है असम राइफल ट्रेनमेंट्स 2022। टोटल पोस्ट पे बात करेंगे हम लोग। एज लिमिट क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से पोस्ट हैं, किस स्टेट में कितना पोस्ट है, ये सारी जानकारी के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टोटल पोस्ट 1380 बताया जा रहा है, 1380 पोस्ट है। नोटिफिकेशन आप जाके देख सकते हैं डाउनलोड करके, 1380 पोस्ट आया हुआ है और इसका स्टार्टिंग डेट 6/6/2022 से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म डालाना और क्लोज डेट है 20/7/2022। और मेरा मानिए तो आप इसी मंथ में भर लीजिए, क्योंकि अच्छा होगा 20/7/2022 के फर्स्ट वीक, मतलब कि अगर इससे एक सप्ताह पहले जाइएगा तो सर्वर बहुत ही स्लो काम करने लगेगा। अच्छा है, सर्वर काम नहीं करता है, तो इससे अच्छा होगा कि आप पहले ही भर लें। जब भरना ही है फॉर्म तो पहले ही भर लें। और एज की बात करें तो 18 से 23 वर्ष चाहिए और ये हर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। 10th पास है, 12th पास है, ITI है, डिप्लोमा है और BA किए हुए हैं, तो आप सबके लिए भी इसमें पोस्ट निकल के आ रही है। तो चलिए बात करते हैं कौन से पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन लग रहा है। टोटल 10 पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। तो देखिए, आर्मर, बार्बर, लेबोरेटरी, नर्सिंग और वाशरमैन कुल 5 है। ये सब 10th में निकल के आ रही है। ट्रेनमैन की भर्ती है असम राइफल का, 5 पोस्ट ये है, ये पूरा 10th में निकल के आ रही है। अगर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है और आपका एज 18 साल हो चुका है तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं इसमें से किसी में। तो और आगे 5 और पोस्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, क्लर्क है, जिसके लिए आपको 10th प्लस में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको आना चाहिए, आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। और ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, इसके लिए आपको 12th या 10th प्लस ITI है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सूबेदार के लिए आपको BA चाहिए। और उसके बाद है वेटनरी ऑफ वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, तो वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक के लिए आपको 12th प्लस डिप्लोमा चाहिए। 12th और डिप्लोमा है आपके पास तो आप भर सकते हैं। और वेटनरी के लिए आपको 12th प्लस डिप्लोमा प्लस 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो फिजिकल क्वालिफिकेशन में आप लोगों से मांगा जा रहा है, रनिंग मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में मारना है और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और मेल के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और जो इसमें क्लर्क पोस्ट है उसके लिए हाइट कम है, इसके लिए हाइट मेल का 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 से 82 होना चाहिए और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, कि किस प्रोसेस से आपका सिलेक्शन होगा, पहले क्या होगा, रिटेन होगा, TET होगा, क्या होगा, पहले सब बात करते हैं। तो पहले आपका होगा TET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, फिर WT रिटेन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा आपका, और इसके बाद आपका मेरिट बनेगा। और आपको बता दें कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। तो बात करते हैं बिहार, बिहार में आपका 107 पोस्टों पे वैकेंसी निकल के आ रही है। कुल सीट 107 है बिहार में, यूपी में 123 है, वेस्ट बंगाल में 56 रहेगी, राजस्थान में 41 है, गुजरात में 50 है, आपसे बता दें पंजाब में 18, MP में 47, दिल्ली में 12 निकल के आ रही है, झारखंड में 53 और उड़ीसा में 51 आ रही है। और जिन स्टेट का इसमें नाम नहीं है, छुटिया है, वो हमें कॉमेंट कर दें कॉमेंट बॉक्स में, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, उसमें बता दूंगा। और कुल ये सब बातें हैं। और आप लोगों का कोई अगर क्वेरी है, कुछ अगर जानना है, कुछ लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। या अगर ज़्यादा कमेंट आया तो फुल एक वीडियो बना के आप लोगों को फिर से समझा देंगे। तो ये सब प्रोसेस है, आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। 20/7/2022 लास्ट डेट है इसका। और एज में है, अगर आप 18 से 23 में है, और OBC SC ST लोगों को छूट भी मिलेगा 3 साल और 5 साल का, तो आप लोग देख लीजिए और जल्द से फॉर्म भर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग का कमेंट अगर आया तो फुल डिटेल में कौन से पोस्ट पे क्या काम है, कितनी सैलरी है, ये सारे हम बात करेंगे। और हाँ, बहुत लोगों का होगा कि क्या मेरे स्टेट में ही रनिंग होगी, तो पहले आपका रनिंग होगा और सारे लोगों को असम बुलाया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। तो चलिए, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।